जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज मैं ज्वार के आटे के साथ बनी हुई मेथी मसाला रोटी। ये ज्वार की रोटी नॉर्थ कर्नाटक की स्पेशल रेसिपी है। ज्वार की रोटी आपसे टूट रहा हो लेकिन ऐसे बना के देख के बिल्कुल नहीं टूटेगी। रोटी के साथ चटनी पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटनी पाउडर बहुत तरीके का बनता है लेकिन मैं आज आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे बनाएंगे और टेस्टी और जल्दी भी बन जाएगा। इसको इडली डोसा के साथ भी खा सकते हैं। पहले चटनी पाउडर बना रही हूँ, उसके लिए 1 कप चना दाल लिया हुआ है, 1/2 कप उड़द दाल लिया है, ड्राई कोकोनट 1/2 कप से ज्यादा 3/4 कप लिया हुआ है, 2 टीस्पून सफेद तिल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गुड़ का पाउडर और थोड़ा सा इमली लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सूखी मिर्ची 8-9 लिया हुआ है और स्पाइसी वाला 4 लिया हुआ है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर और 10 से 12 लहसुन की कलियां लिया हुआ है। पहले हमें सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है। दोनों दालों को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। दाल में अच्छे से अरोमा आना चालू हो जाएगा तब तक रोस्ट कर लेना। मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए, काला बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद जीरा और तिल को भी फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे तिल को बाद में ऐड किया क्योंकि मैंने रोस्ट करके रखी थी, साथ में डाल के रोस्ट कर लीजिए। के बाद सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ता और लहसुन को भी डाल के ड्राई रोस्ट कर लीजिए। मिर्ची की हल्का सा कलर चेंज हो जाए और लहसुन थोड़ा सा भुन जाए, उतना फ्राई किया तो काफी है। कोकोनट जल्दी से कलर चेंज हो जाता है इसीलिए हमें गैस बंद करके ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ठंडा होना चाहिए। पहले मिर्ची को ग्राइंड करेंगे, उसके बाद बैच बाय बैच सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के ग्राइंड करना है। रोस्ट किया हुआ सारा मसाला हल्का सा ग्राइंड होने के बाद मैं यहाँ पे इमली गुड़ जो सेपरेट रखी हुई थी वो ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद नमक और हल्दी भी ऐड किया। हल्दी 1 टीस्पून और नमक मैंने 2 टीस्पून डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। पाउडर को ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इसको आराम से आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ज्वार और मेथी रोटी बनाने के लिए मेथी को अच्छे से धो के पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद बारीक काट लेना है। रोटी बनाने के लिए हमें 1 कटोरी बारीक कटी हुई मेथी चाहिए। 1 कप मेथी के लिए हमें 2 कप ज्वार का आटा चाहिए। आटे में मिक्स करने के लिए हमें चिली और लहसुन का पेस्ट रेडी कर लेना है। उसके लिए मैंने 4 मिर्ची लिया हुआ है, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया हुआ है, 1 स्पून जीरा लिया हुआ है। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अजवाइन 1/4 टीस्पून और तिल 1 टीस्पून लिया है। पहले हमें एक बर्तन में पानी उबालने रखना है। जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमें पानी लेना है। 2 कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी ही पानी लेना है। और पानी में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली हुई है। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद 2 कटोरी आटा डाल देना है। फ्लेम को लो में रख के आटे को ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ना है 1/2 मिनट के लिए। गैस को लो फ्लेम में ही रख के ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, बिना गुठली के अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आटे को हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना है, हाथ डाल के मिक्स करने जितना होना चाहिए। और उस पर मेथी, पिसी हुई मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, अजवाइन और तिल ऐड करके अच्छे से मसलते हुए हमें गूंद लेना है। आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होना चाहिए। आटा थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो हाथ को थोड़ा सा गीला करके आटे को अच्छे से प्रेस करते हुए आटे को गूंद लेना है। पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, नहीं तो बेलते वक्त टूट सकता है। आपको जिस साइज में रोटी चाहिए उस हिसाब से पेड़े बना के ढक के रख लीजिए। आटा सूखना नहीं चाहिए। आटे को बेलते वक्त हर एक पेड़े को अच्छे से और एक बार गूंद के पेड़े के साइड्स को ऐसे रोल करते हुए इवन कर लीजिए। रोटी को आप अपने हिसाब से बहुत पतला भी बड़ा भी बेल सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। मैंने रोटी की शेप का ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप किसी प्लेट की मदद से इसको गोल काट सकते हैं, उससे बहुत सुंदर और अच्छा दिखेगा। तवा अच्छे से गर्म होने के बाद रोटी को पकाने के लिए तवे पे डालना है। रोटी में आटा लगी हुई साइड को तवे पे ऊपर डालना है। उस पोर्शन को हमें गीले कपड़े से ऐसे टैप करते हुए हल्का गीला कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई में रखते हुए ही रोटी को अच्छे से दोनों साइड सेक लेना है। रोटी की दोनों साइड अच्छे से पकने के बाद ड्राई कपड़े से ऐसे दबाते हुए 1/2 मिनट के लिए पका लेना है। अब देखिए गर्मा गर्म हाई फाइबर, प्रोटीन और लो कैलोरी वाला रोटी रेडी है। ये चटनी पाउडर और दही के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें सारा मसाला डाला हुआ है तो उसको ऐसे ही हम चाय के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से आप भी आराम से ज्वार की रोटी बना सकते हैं, एक बार बना के ट्राई करके देखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।